हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स प्रेगनेंसी के दूसरे तिमाही में गर्भ में पल रहे बच्चे का आकार काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा होता है बच्चे का विकास भी काफ़ी तेज़ी से हो रहा होता है जिसके वजह से गर्भवती महिलाओं के शरीर में भी काफ़ी तेज़ी से बदलाव आ रहे होते हैं इन्हीं बदलावों को देखकर आप गर्भ में लड़का या लड़की का पता लगा सकती हैं लेकिन यह आपको पहले ही बता दूं कि इनका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है ये बस बुजुर्गों द्वारा बताई गई बातें हैं जिनसे सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला है सोने का तरीका तो देखिए फ्रेंड्स प्रेगनेंसी के पहले तिमाही में यानी कि पहले दूसरे और तीसरे महीने में गर्भवती महिलाएं चाहे लेफ्ट करवट लेकर सोए या राइट करवट लेकर पीठ के के बल बल सोए सोए या पेट के बल कोई दिक्कत की बात नहीं होती है क्योंकि इस समय भ्रूण का आकार काफी ज्यादा छोटा होता है जिससे आपके सोने के तरीके का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता लेकिन दूसरी तिमाही के आते आते आपके गर्भ में बच्चे का विकास काफी तेजी से हो रहा होता है और आपके शरीर में भी कई बदलाव आ रहे होते हैं तो इस दौरान आपके बच्चे का आकार अच्छे से बढ़े बच्चे का वजन काफ़ी अच्छे से बढ़े इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि बच्चे का ग्रोथ अच्छे से हो तो आप कोशिश करें कि जब भी आप लेटती हैं तो शुरुआत लेफ्ट साइड करवट से ही करें इससे आपके बच्चे तक ब्लड ऑक्सीजन और पोषक तत्व आपके शिशु तक सही तरीके से पहुँचता रहता है और इससे आपका बच्चा भूखा नहीं रहता है और बच्चे का ग्रोथ भी सही से होता रहता है अब आपको ध्यान ये देना है कि प्रेगनेंसी के दूसरी तिमाही में आप किस करवट से सोना पसंद करते हैं किस साइड सोना आपको ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है यदि आप लेफ़्ट करवट सोना पसंद करती हैं लेफ़्ट करवट सोना आपको कंफर्टेबल लगता है तो ऐसे में माना जाता है कि गर्भ में लड़का होता है वहीं यदि आप राइट करवट होकर के सोना ज़्यादा पसंद कर रही हैं तो ऐसे में गर्भ में लड़की मानी जाती है नेक्स्ट सिम्टम है नींद ज़्यादा या कम आना प्रेगनेंसी कंसीव करते ही कुछ महिलाओं को बहुत ज़्यादा नींद आती है नींद ज़्यादा आने के कई कारण होते हैं जैसे अगर आपके बॉडी में कमज़ोरी है पोषक तत्वों की कमी है तो इससे आपको कमज़ोरी थकान फील होगी और आपको नींद भी ज़्यादा आएगी अगर आपके शरीर में न्यूट्रिशंस की कमी नहीं है आप अपने खाने का ख़ास ख्याल रखती हैं आप एक्टिव हैं तो आपको नींद कम आएगी अब ऐसा माना जाता है कि दूसरी तिमाही के दौरान यदि महिला को नींद बहुत ज़्यादा आती है आलस बहुत ज़्यादा रहता है तो ये गर्भ में लड़की होने के संकेत हैं और जो महिलाएँ प्रेगनें गेंसी के दौरान काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहती हैं उन्हें नींद भी कम आती है तो ऐसे में लड़का होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं तो फ्रेंड्स ये थे वो दो बदलाव जो आपको प्रेगनेंसी के दूसरे तिमाही में नोटिस करने हैं वैसे तो सभी के बॉडी अलग होते हैं और सभी के प्रेगनेंसी भी अलग अलग होते हैं तो ज़रूरी नहीं कि सारे सिम्टम्स सारे महिलाओं पर नजर आए हो सकता है कि ये सिम्टम्स दिखने पर भी आपको लड़की हो क्योंकि इनका कोई भी वैज्ञानिक आधार नहीं है तो बस आप अनुमान लगा सकते हैं वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें मिलूंगी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय